तो चल रहा है यहाँ पे। मतलब तुम्हें कैसे पता? मुझे दादू ने बताया, उन्होंने बताया कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ तो स्कीम चल रही है इनके नेहा के खिलाफ। क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया, लेकिन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं ये जरूर बताया। तो कुछ तो करेगी ना, बात पे आज दिन थोड़ी ना बैठे रह गए। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये लोग नेहा के खिलाफ कुछ प्लान करे, अगर उसके खिलाफ कुछ होगा तो हमारे खिलाफ भी होगा। भाई मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, पर तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? बैटिंग कोई और कर रहा है, बॉलिंग कोई और कर रहा है, हम क्या है, हम दर्शक है, हम सिर्फ मैच को देख सकते हैं। हाँ, उसका रिजल्ट जो भी है, हार जीत जो भी है, उसके बाद हम पूरी कहानी बदल सकते हैं। जैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नेहा ना सब कुछ कन्फेस करने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा करेगी क्यों, अपना सच अपने मुंह से क्यों बताएगी? क्यों बताएगी, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें नेहा के साथ किसने देखा है आज तक, और खास करके ये आरवी के फैमिली में से? नहीं किसी ने नहीं देखा, मैं बहुत केयरफुल रही हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं लोग, कि दादू तुम्हें आकर प्लान साजिश के बारे में सब कुछ बता रहे? क्यों बता रहे? वो सिर्फ उसे डर फैला रहा है। अगर तुम्हें नेहा के साथ आज तक किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर एक मिनट, दादी ने देखा था, एक बार देखा था मुझे नेहा के साथ, उसे गले लगाते हुए देखा था, लेकिन कि मैंने उन्हें बातों में घुमा दिया था, दूर कर दिया था मैंने उनका शक। नहीं हुआ उनका शक दूर, तुम नहीं घुमा सके उनको बातों में। दादी को सब पता है, और दादी ने ही उस दादू को तुम्हारे पास भेजा था। वो सब ये सब क्यों कर रहा है पता है? वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर तुम डर गई तो तुम्हारे थ्रू नेहा भी डर जाएगी, जो तो ऑलरेडी डरी हुई है, और वो अगर कुछ ऐसा कुछ कर देगी तो हमारा प्लान तो खत्म। ये सब जानबूझ के कर रहा है, और ये लोग जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहे? एक सेकंड, क्या ये सिर्फ दादू दादी नहीं? अच्छा अब समझ में आया, यहाँ पे ना सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये सिर्फ दादू और दादी को नहीं, इन सबको पता है। अभी क्या हुआ बताए, आरवी ने मुझे बुलाया था, मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे बुलाया कि यहाँ पे आओ, मैं गया, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी सगाई किससे होने वाली है? बोला पता है, वो एक लड़की है। बोले हाँ तुम्हें जाकर ना उसको वो पिलाना है, जूस पिलाना है। बोला ठीक है साहब। और तभी पूर्वी ने क्या किया पता, पूर्वी ने मुझे वहीं पे रोका और उसने बात को ऐसे घुमा दिया, फिर वो गई और कुछ पाउडर का पैकेट लेके आई, बोले कि ये पाउडर आपसे पिला दो। मतलब मुझे ये सब देखकर क्या लगा पता है, कि ये लोग कुछ ना कुछ छुपाना चाहते थे, किसी अननोन के सामने सारी बातें रखना नहीं चाहते थे। मैंने बाहर जाकर सुनने की भी कोशिश की, पर वो आ गई थी इसलिए मैं निकल लिया। ये लोग बहुत शातिर तरीके से प्लान बना रहे हैं और बहुत जल्द प्लान को अंजाम भी देंगे, पर वो लोग प्लान को अंजाम दे उससे पहले ना ये सगा ये खत्म करवा दे, ये खत्म हो जानी चाहिए। कैसे, क्या क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता यार, बस हमें सिर्फ अलर्ट रहना पड़ेगा, चौकन्ने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अब कुछ ना कुछ करने वाले हैं, वो मुझे पता है।